नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 21 जुलाई। 21 जुलाई को ये आपका थर्ड शिफ्ट का जो SSC CGL का जो एग्ज़ाम था फ्रेंड्स, वो आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज की इस थर्ड शिफ्ट में आपका क्या क्या GK जिस के प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्न मिल गए हैं। 100% ऑथेंटिक प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, थोड़ा सा भी इसमें मेहनत लगे कि क्या हुआ है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, एक जो प्रश्न पूछा गया था पहला, कि कौन सा उपकरण है जो कि गति, दिशा, वर्षा के प्रकार यानी कि बर्फ या बारिश का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, वो दोस्तों आपका एनेमोमीटर हो जाएगा। ठीक है, एनेमोमीटर हो जाएगा। ये जो एनेमोमीटर होता है, उपकरण होता है जिसका उपयोग पवन की गति को मापने के लिए, दिशा को मापने के लिए किया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन में भी दोस्तों एनेमोमीटर था जो कि दिया गया था। इसके अलावा रडार, इसके अलावा सोनिक, इसके अलावा डॉपलर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो मौसम संबंधी उपकरण ये भी है जिसका उपयोग वायु की नमी को मापने के लिए करते हैं, हाइग्रोमीटर। लेकिन एक है आपका हाइड्रोमीटर, उसका उपयोग हम लोग तरल के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए करते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि आप लोग का जो मन में बहुत सारा सवाल रहता है कि सर मॉक टेस्ट है जो कि कहाँ से लगाएं, प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से देखें, तो इसके लिए दोस्तों एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक, जो कि दोस्तों अभी ऊपर उसके ऊपर ऑफर भी चल रहा है, सफलता का महामंत्र। ठीक है, जो कि आपका 21 से 22 जुलाई तक दोस्तों चलेगा। इसमें दोस्तों आपका जो टेस्ट बुक का जो ईयरली पास है वो दोस्तों आपका 314 रुपये में मिलेगा, और टेस्ट बुक का जो पास प्रो है वो दोस्तों आपका 449 में मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG, तो दोस्तों आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, टेस्ट बुक का ईयरली जो पास प्रो अगर आप लेते हैं तो इसमें दोस्तों एक जो मॉक रहता है वो दोस्तों उसको आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन को मॉक के तौर भी दे सकते हैं। इसके अलावा उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपका टेस्ट बुक का ईयरली का पास प्रो में नहीं मिलता है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस पर दोस्तों जाकर आप लोग एक बार देख लीजिए। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। इस पर दोस्तों आपको 750+ एग्जामों का, लगभग 70,000+ मॉक टेस्ट है जो कि वर्तमान समय में अभी आपका अपडेट किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो दोस्तों आपका मैच द फ्लोइंग करके आपका आया था, मैच द फ्लोइंग करके आपका आया था, जिसमें आपको लिंगानुपात को मैच करना था। 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश का नाम आपका दिया गया था। ठीक है, तो आपको बता दें कि पुडुचेरी का लिंगानुपात एक आया था जिसका लिंगानुपात 101,038 में आपको मैच करना था। इसके अलावा एक दिल्ली का लिंगानुपात आया था जो कि दोस्तों आपको 868 वाला में मैच करना था। एक आपका हरियाणा का आया था जो कि दोस्तों आपका 917 वाला में मैच करना था, और लिंगानुपात केरल का भी आया था जो 1084 में आपको क्या करना था, मैच करना था। लिंगानुपात 1084 जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, जो कि आपका केरल का ही है। हम लोग बात कर लें थोड़ा लिंगानुपात के ऊपर, तो लिंगानुपात का जो परिभाषा होता है कि 1,000 पुरुष पर आपकी कितनी महिलाएं हैं आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, वही दोस्तों आपका लिंगानुपात होता है। तो केरल राज्य में 1,000 पुरुष पर आपका 1,084 महिला हैं, तो केरल का लिंगानुपात 1,084 हो जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका आया था कि कौन सा आपका जो ट्रेड है या आपका कोई ये ऐसी हुआ है, आपका समझौता हुआ है जो कि आपका सार्क से संबंधित है। ठीक है, सार्क से संबंधित है यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन से। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन में साफ्टा दिया गया था जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, ये दोस्तों आपका सार्क से संबंधित है, या आपका दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र आपका 6 जनवरी 2004 को सार्क के सदस्यों के बीच हुआ एक मुक्त व्यापार समझौता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया गया है, वो पूछा गया है आपका कि अनुच्छेद 1929 को हम लोग देखेंगे थोड़ा देर में, उससे पहले पूछा गया था आपका कि 2000 आपका जो 22 है, 2022 में जो जनधन योजना है आपका जो कि शुरू हुआ था आपका 2014 में, तो वो दोस्तों कितना साल या कि उसका कितना एनिवर्सरी है जो कि मनाया गया है। ठीक है, तो 2004 से जब हम 2014 से जब हम लोग देखें तो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो 2022 में दोस्तों आपका 9 साल आपका जनधन योजना का हो जाता है, तो 9
9 साल आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा शुरुआत की बात करेंगे तो शुरुआत से पहले इसका घोषणा हुआ है, घोषणा आपका 15 अगस्त 2014 को हुआ है। किसके द्वारा हुआ होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। कहाँ से किया गया था अगर आपसे पूछ दिया जाए, तो आपका लाल किला से किया गया था। लाल किला का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था। स्थित कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। लेकिन आपका जो योजना है उसका शुभारंभ आपका 28 अगस्त से हुआ था, घोषणा 15 अगस्त को हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करेंगे, तो भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और इसका उद्देश्य देश में सभी परिवारों को, ठीक है, सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है और हर परिवार का बैंक खाता खोलवाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नर्मदा नदी है जो कि आपका कहाँ से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है दोस्तों आपका नर्मदा नदी, तो आपको बता दें कि नर्मदा नदी का ऑप्शन में आपका अमरकंटक था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, अमरकंटक आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ये प्रश्न हमने आपको 50 बार बताया है। ठीक है, अमरकंटक की बात करेंगे तो किस पहाड़ी श्रृंखला का है, तो ये दोस्तों आपका मेकाल मेकाल पर्वत पहाड़ी श्रृंखला का भाग है जो कि विंध्याचल में पड़ता है। इसके अलावा नर्मदा नदी के विषय में हमने आपको बताया है कि ये आपका मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और जो आपका जो सरदार सरोवर जो बांध है वो भी आपका नर्मदा नदी पर ही है। इसके साथ ये खंभात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसके अलावा ये आपका गुजरात में भी जाती है, तो गुजरात में किस जिले में जाकर मिलती है, तो भरूच जिले में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा की बात करेंगे और ताप्ती की, तो जो दो नदियाँ हैं आपका पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती बिना डेल्टा के सबसे बड़ी नदियां हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि मॉडर्न जो ओलंपिक है आपका आधुनिक ओलंपिक है कब से शुरू हुआ है। ये भी दोस्तों आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जाकर आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, आपको हर दिन का जो पीडीएफ दिया जाता है उसमें आपका ये क्वेश्चन था या नहीं था। ठीक है, तो मॉडर्न जो ओलंपिक है वो दोस्तों आपका 6 अप्रैल 1896 को हुआ था। ठीक है, ऐसे तो ऑप्शन में आपका 1896 दिया गया था, लेकिन आपका जो इस वर्ष एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो रहा है उसमें आपका डेट भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डेट भी आप याद रख लीजिएगा, 6 अप्रैल 1896 को। ठीक है, आपका कहां पर हुआ था, ग्रीस ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा ये तो आपका मॉडर्न ओलंपिक का बात हो गया, लेकिन आपसे जब प्राचीन ओलंपिक यानी कि एंशियंट ओलंपिक की बात करेंगे तो इसका जो शुरुआत हुआ था आपको 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, गुरुदास घासीदास को जो पंथी नृत्य से संबंधित है वो आपका किस राष्ट्र से है। ठीक है, तो आपको बताइए कि पंथी नृत्य के विषय में हमने आपको बताया है कि नहीं बताया है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन में पंथी नृत्य देखते हैं, गुरु घासीदास जी के बारे में आपको नॉलेज नहीं भी होगा, तो आप इसका राइट आंसर करके आ रहे होंगे और वो आपका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो पंथी जो नृत्य है वो दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का क्या है, तो लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके अलावा गुरु घासीदास की बात करेंगे तो गुरु घासीदास जो कि आपका छत्तीसगढ़ से ही संबंधित हैं, और ये आपका 18 दिसंबर का दिन जो होता है पंथी नृत्य के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि आपका इसी दिन गुरु घासीदास जी का क्या हुआ था, तो आपका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 2022 का जो अंडर फीफा वर्ल्ड कप हुआ है आपका, अंडर फीफा आपका महिला वाला जो वर्ल्ड कप हुआ है, या महिला छूट गया है तो महिला वाला जो वर्ल्ड कप हुआ है उसका दोस्तों डेट पूछा गया था, आपका ईयर नहीं पूछा गया था, आपका क्या पूछा गया था, तो आपका दोस्तों डेट पूछा गया था। ठीक है, तो डेट पूछा गया था, तो डेट दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर। ठीक है, आपका डेट भी पूछा गया था और दोस्तों आपका यह भी पूछा गया था शुरू कब हुआ था और खत्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर से दोस्तों आपका 11 अक्टूबर से आपका 30 अक्टूबर इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप जो महिला वाला हुआ था 2022 में, इसके विजेता कौन था, तो इसका जो विजेता था वो दोस्तों आपका स्पेन था। ठीक है, स्पेन दोस्तों था, ये पिछला बार भी जब आपका हुआ था 2018 में उस समय का भी विजेता आपका स्पेन ही था। ठीक है, ये जो आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ है वो दोस्तों हुआ कहाँ पर है, तो दोस्तों आपका हुआ है भारत में। भारत में भी कहाँ कहाँ हुआ है, तो भारत के 5 शहरों में, भुवनेश्वर में, कोलकाता में, गुवाहाटी में, अहमदाबाद में और आपका नवी मुंबई में। ठीक है, इसके अलावा इसके रनअप की बात करेंगे तो इसका जो रनअप आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा कोलंबिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसका रनअप हो जाएगा आपका कोलंबिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपसे रनअप पूछ दिया जाए तो। ठीक है, इसके अलावा
इसके अलावा बात करेंगे इसका शुभंकर का, क्योंकि आज सेकेंड शिफ्ट में आपका शुभंकर से भी जो प्रश्न आपका बना था, पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर था सोमाइटी, उसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो फीफा अंडर 17 महिला 2022 का विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर की बात करेंगे। तो ये दोस्तों आपका ईवा था, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका ईवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ईवा क्या है? तो ईवा एक मजबूत, चंचल और आकर्षक एशियाई शेरनी है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा, क्या है? तो ये दोस्तों आपका शेरनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया गया था वो पूछा गया था चालको जेन, ठीक है। चाको जो जेन है बिलोंग्स टू विच ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन में आपका समूह 16 दिया गया था, जो कि आपका 100% क्या है? तो राइट आंसर है, ठीक है। चाको जेन जो तत्व है जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में या ऑक्सीजन परिवार के समूह में 16 से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? तो आपका 16 से संबंधित है, ठीक है। चालको जेन में आपका पांच तत्व होते हैं। पांच तत्व वो कौन कौन से हैं? तो पांच तत्व आपका ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, आपका पोलोनियम है, ठीक है। क्या है? तो ये पांच तत्वों को भी याद रखिएगा। ग्रुप 16 तो इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दिसंबर 2021 में आपका BWF हुआ था, ठीक है। BWF आपका हुआ था, उसका जो फाइनल है पहली बार किस भारतीय ने खेला था? तो इसका राइट आंसर आपका किदांबी श्रीकांत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? किदांबी श्रीकांत हो जाएगा। इन्होंने जो फाइनल खेला था आपका सिंगापुर के लोह किन्यू के साथ खेला था, ठीक है। फाइनल तो खेला था लेकिन आपका किदांबी जो श्रीकांत थे वो दोस्तों आपका हार गए थे, ठीक है। हार गए थे 15-21 से, आपका 20-22 से हार गए थे, लेकिन हारने के साथ ही आपका क्या किए थे? तो रजत पदक जीत गए थे और लो किन्यू आपका स्वर्ण पदक जीत गया था। उसके साथ ही सिंगापुर वर्ल्ड्स में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीतने वाला पांचवा देश बन गया था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से नंदवंश को ख़त्म किया था? तो हमने आपको हजार बार बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य है उसका आपका एक प्रधानमंत्री हुआ करता था विष्णुगुप्त, जिसे कि हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य ही खरीद कर उसके माँ से उसको वापस तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले गया था। वहीं पर उसका पालन पोषण किया था, उसको इस तरह से बनाया था कि आगे चलकर वो मौर्य समाज का शासक बने। और दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य समाज का शासक बनता है और नंदवंश को खत्म करता है। नंदवंश को खत्म क्यों करता है? क्योंकि जब आपका विष्णुगुप्त या चाणक्य या विष्णुगुप्त का ये सब एक ही नाम है, जब इन्होंने नंदवंश के दरबार में क्या गया था, तो इसका जो अंतिम राजा था महापद्मानंद, ठीक है, सॉरी धनानंद था, जो कि इनका बेइज्जती किया था। और उसी दिन से आपका जो विष्णुगुप्त थे या चाणक्य कहिए, उन्होंने प्रण ले लिया था कि ये जो नंदवंश की सत्ता है उसको उखाड़ फेंकेंगे। और जाते वक्त इनको चंद्रगुप्त मौर्य दिखा था, उन्होंने इनको अपनी माँ से, इनकी माँ से खरीद लिया था, इनका माँ का नाम मोरा था। उसके बाद से ही इसको पालन पोषण किया, इसको इस तरह से बनाया कि आगे चल कर इन्होंने नंदवंश को खत्म किया था, ठीक है। तो नंदवंश का खत्म किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नंदवंश का अंतिम राजा कौन था? आपका घनानंद था। इसके प्रधानमंत्री आगे चल के बने विष्णुगुप्त, जिसे जो कि आपका आज के सेकेंड शिफ्ट में भी प्रश्न आया था, कौटिल्य जो पुस्तक है वो दोस्तों आपका किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो आपका विष्णुगुप्त ही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, अल बरूनी जो है फारसी विद्वान था जो कि किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था, ठीक है। तो भारत किसके साथ आया था? तो इसका राइट आंसर आपका महमूद गजनवी हो जाएगा, ठीक है। महमूद गजनवी हो जाएगा, जो कि एक आपका लुटेरा था, आक्रमणकारी था, उसके साथ ही आपका अलबरूनी है जो कि भारत आया था। अगर आपसे डेट पूछ दिया जाए कब आया था, तो 1018 से 1019 ईस्वी तक में दोस्तों ये आपका आया था, ठीक है। इसके अलावा इसका जो प्रसिद्ध पुस्तक है तहकीक ए इंद, ठीक है। तहकीक ए इंद दोस्तों आपका इसका पुस्तक है, ठीक है, जो कि भारत का इतिहास बताता है। उसका लेखक भी आपका अल बरूनी ही था, ठीक है, अल बरूनी ही था। इसके साथ इसे भारतीय विद्या का आइडियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। वो इसके बाद महमूद गजनवी की हम लोग बात करेंगे, तो पहला तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और 1027 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी इसने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण आपका 1001 ईस्वी में किया था और सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण था आपका 1025 में किया था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को बुरी तरह से लूटा था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपका मुस्लिम त्यौहार है जो कि रमजान है, ठीक है। मुस्लिम त्यौहार आपका रोजा पूछा गया था या रमजान पूछा गया था, इस तरह करके कोई पूछा गया था कि आपका ये कौन से महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको बता दें, इस्लामिक कैलेंडर में जो सातवां माह होता है रजब होता है, आठवां आपका शाबान होता है, और नौवां जो महीना होता है वो दोस्तों आपका रमजान कहलाता है, ठीक है। तो आपका नौ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नौवां इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, नौ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक नवरोज त्यौहार है जो कि दोस्तों आपका शुरू किसने किया था, बलबन ने किया था। ये एक आपका फारसी त्यौहार है जो कि पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। फारसी लोगों का ये क्या होता है तो नया साल होता है इस दिन, और 21 मार्च को इस बार मनाया गया था नवरोज त्यौहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि झवेरी जो बहनें हैं उनका संबंध आपको बताना था कि किस शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। किस शास्त्रीय नृत्य से है जो कि इनका संबंध है, तो झवेरी जो बहनें हैं उनका जो संबंध है फ्रेंड्स वो आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। किससे है तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। जब हम लोग झवेरी बहने की बात करते हैं तो इनमें आपका एक नैना आती है, सुवर्णा आती है, रंजना आती है, ठीक है। ये तीनों क्या हैं तो आपस में बहन हैं, उनका जो संबंध है आपका मणिपुरी नृत्य से ही है, ठीक है। किससे है तो इनका जो संबंध है आपका मणिपुरी नृत्य से ही है, ठीक है। इसके अलावा मणिपुरी के नृत्य के संस्थापक अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका गुरु विपिन सिंह हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे तो दोस्तों आपका गुरु विपिन सिंह आपके मणिपुरी नृत्य के क्या हो जाएंगे तो संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आपका कल एक आया था पत्नी कलावती देवी का संबंध किससे है, कलावती देवी, तो इनका भी संबंध आपका किससे है तो मणिपुरी नृत्य से ही है। या आपका गुरु विपिन सिंह थी उनकी क्या थी तो पत्नी थी, ठीक है। इसके अलावा एक आपका कलावती देवी की बेटी हुई बिंबावती देवी, इनका भी संबंध आपका किससे था तो मणिपुरी नृत्य से ही था। इन सभी को आप याद रखिएगा आपस में रिलेट करके। ये जो नृत्य है आपका किस भगवान को समर्पित है तो शिव और पार्वती को समर्पित है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो झावेरी जो बहने हैं उनका संबंध आपको बताना था, ये तो हो गया है। लेकिन अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्थापना है फ्रेंड्स वो किसने किया था तो दोस्तों आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो राइट आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है। INSC का फॉरवर्ड ब्लॉक आपका 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया था, ठीक है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता था, तो नेताजी कहाँ किसने हैं तो आजाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों के द्वारा जर्मनी में नेताजी को नेताजी का उपाधि है जो कि दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो कांग्रेस का वो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, जो कि आपका 1929 में हुआ था। आपका जो SSC जो एग्जाम करवा रहा है TCS, वो इतना चालाक है कि आपका सेकेंड शिफ्ट का जो प्रश्न रिलेटेड होता है वो आपका थर्ड शिफ्ट में पूछता है, और फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया गया है उससे रिलेटेड आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछता है, ताकि आपको एनालिसिस देखने का आपका क्या हो समय ना मिले और आप जल्दी से एंट्री ले लें, ठीक है। क्योंकि आपका इससे रिलेटेड जो प्रश्न है आपका पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में कि जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो दोस्तों आपका किस लिए मनाते हैं, ठीक है। तो उसमें ही हमने आपको बताया था कि 26 जनवरी 1937 को स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, उसी कारण हम लोग 26 जनवरी को याद रखने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और उसी दिन संविधान अपना लागू करवाए थे, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि कुल स्वतंत्रता प्रस्ताव अपने लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर शहर में वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा सार्वजनिक घोषणा की गई थी कि एक दिन जिसे कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था, ठीक है। इसी दिन को याद रखने के लिए जो संविधान सभा था उसको अपने जो संविधान है उसको आपका क्या किया था लागू किया था 26 जनवरी 1950 को ही, ठीक है। लेकिन बन कर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। एक क्वेश्चन देखिए, कोई पूछा गया था आपका मौलिक कर्तव्य दिया गया था, पूछा गया था कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य वर्णित है। भाग पूछेगा तो 4 हो जाएगा, हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हाँ बहुत बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया IFFI इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड है जो कि किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड आपका दिया गया है 2022 में, जो कि आपका
का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था वो दिया गया है चिरंजीवी को, ठीक है, चिरंजीवी को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चिरंजीवी हो जाएगा। फर्स्ट विनर की बात करेंगे तो वहीदा रहमान इसके फर्स्ट विनर थे, ठीक है। इसके अलावा चिरंजीवी की बात करेंगे तो ये कौन है, तो तेलुगु के सुपरस्टार हैं। ये अवार्ड का जो घोषणा है किसने किया था, तो अनुराग ठाकुर किया था। अनुराग ठाकुर कौन है, तो सूचना प्रसारण मंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है। और आपका लगभग 4 दशकों के करियर में चिरंजीवी ने 150 से अधिक फिल्में में अभिनय किया है, मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। एक जो प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिला था वो दोस्तों आपका परांकलन समिति से देखने को मिला था। हालांकि ये जो प्रश्न था आपका क्या था, स्टेटमेंट बेस्ड था, ठीक है। तो प्राकलन समिति के विषय में हम लोग जब बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं लोकसभा के, तो 30 सदस्य होते हैं जो कि हर वर्ष लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच चुने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो समिति का जो अध्यक्ष होता है स्पीकर के द्वारा सदस्यों में से ही चुना जाता है, और इसका जो कार्यकाल होता है आपका 1 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों आपका तीन स्टेटमेंट दिया गया था, और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका गलत है। तो वो स्टेटमेंट था शायद आपका कि समिति में जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो आपका भाग लेते हैं, तो वही वाला शायद आपको गलत था। वो आपका लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो दोस्तों आपका इसमें इसका इनका सदस्य जो कि आपका नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो मे बी आपका वही वाला गलत था, बाकी आप लोग एक बार क्लियरिफाई कर दीजिएगा कि आपका क्या देखने को मिला था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि ये आपका अनुच्छेद 29 से आया था या किसी और से आया था, लेकिन आपका एक स्टेटमेंट दिया गया था, पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन में आपका सब अनुच्छेद में आर्टिकल में सब क्लोज ए लगा हुआ था। एक स्टूडेंट ने बताया था कि आपका मोनूमेंट्स प्रोटेक्शन सर्विस, ठीक है, मोनूमेंट प्रोटेक्शन सर्विस से संबंधित कोई प्रश्न आपका देखने को मिला था, या अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा संबंधित था। अगर अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा से रहेगा तो आर्टिकल 29 हो जाएगा, अगर कुछ और रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है कि थोड़ा सा मेहनत इस वीडियो में किया गया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा। बाद बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाद बाकी टेक्स्ट बुक से ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड APG जरूर यूज़ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।